नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत दिनांक 14 दिसंबर 2019 का व्यवहार न्यायालय देपालपुर द्वारा न्यायालय प्रकरण में आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रकरणों का निराकरण मौके पर ही किया गया। नेशनल लोक अदालत में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश दिनेश मीणा एवं न्यायाधीश अंकिता शाही ने उपस्थित सभी वकीलों से एवं कर्मचारियों से अधिकारियों से वार्तालाप की। दोनों न्यायाधीशों ने सभी से अधिक इस लोक अदालत में प्रकरण निपटाने की अपील की। वहीं सभी स्टालों पर जाकर न्यायाधीशों ने जानकारी ली। वहीं देपालपुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुश्री मालती जोशी ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य दो पक्षों को न्याय दिलाना होता है। इसी के तहत देपालपुर में कई विभागों वे कई बैंकों के प्रकरण को निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। दो पक्ष रहते विवादित, उनके मध्य संवाद कायम करके उनके पक्ष में, दोनों के पक्ष में समझौता करवाना, ये लोक अदालत का उद्देश्य है। दूसरा, बैंक वगैरह की जो भी ऋण है उसमें कम से कम ब्याज माफ हो, किसानों को उसका लाभ मिले, और लोक अदालत का उद्देश्य ही है संपत्ति कर है, वो एक मुश्त अदा करता है तो उसको उसमें छूट मिलती है, नल करे जल करे जो भी है उसमें उनको छूट मिले, लोक अदालत का उद्देश्य ही रहता, और अधिक से अधिक किसानों को, आम जनता को और लोगों को फायदा हो, इसलिए लोक अदालत लगाई जाती ताकि लोग उसका सुविधाजनक रूप से फायदा उठा सके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया नरबला झाबुआ ग्रामीण बैंक है, सभी बैंक जो भी है, इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक है, नगर पंचायत का भी शिविर लगा है, और जितने भी इसके अलावा विधिक सहायता शिविर भी इसमें शामिल है, जिसमें लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त हो।